वुड यू लाइक टू गेट 100% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस? द क्वेश्चन इज दिस, वेदर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन 100% मार्क्स या इट इज पॉसिबल बाय विजिटिंग माय फॉलोइंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स. You will be able to get 100% marks. Among them, one is the YouTube channel Unique Style of Teaching. You are requested to subscribe my channel, like my videos, share my videos, and give me comment on my channel and on my video as well. The second one is the Facebook page. You are requested to like my page and the final one is the educational Facebook group Unique Style of Teaching. You are requested to join my this group in order to get my future uploads and all upcoming videos. Now watch the video. O level mathematics में bearing में question number 19 का upload in process है. P, Q and R. R, three tones. Q is equidistant, from P and R. The bearing of R from Q is 168 degree and QPR, यानी कि P पे एंगल गिवन है, दैट इज 57 डिग्री. फाइंड ए पार्ट के टू सब पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट है द रिफ्लेक्स एंगल आर पी क्यू. सेकेंड पार्ट है the acute angle PQR.
बी पार्ट है द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर एंड सी पार्ट है The bearing of Q from P. ये डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है. अब हम सबसे पहले इसका जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे. ये पॉइंट्स हैं पी और ये क्यू है और यहाँ पे आर पॉइंट है. सबसे पहले आप नॉर्थ बनाते हैं. ये पी पे नॉर्थ बनाया और ये हमारा क्यू पे नॉर्थ हो गया जी. देन हम आर पे नॉर्थ बनाएंगे. ये और पे नॉर्थ आ गया. टू साइड्स इक्वल हैं दिस वन एंड दिस वन. ये क्वेश्चन के अंदर दिया है और यहाँ पे 57 एंगल ये भी गिवन है और यहाँ पे एंगल गिवन है. बेरिंग दिया था बेसिकली ये एंगल हो जाएगा 168 डिग्री. अभी जो पहला पार्ट है द रिफ्लेक्स एंगल पी आर क्यू. पी से चले हम आर पे आए और वापस क्यू पे आ गए. ये एंगल चाहिए. इस एंगल को मैं मार्क करके देता हूँ आपको ग्रीन और इसमें ख्याल रहे कि वो रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है तो आपने इसको अलग से मार्क कर लें ताकि ये बेसिकली जो मैंने ब्लैक कलर में एंगल मार्क किया है ये हमें एंगल चाहिए. इसके लिए आपको ग्रीन एंगल फाइंड करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये साइड है. इस साइड के सामने एंगल 57 है. अब इस साइड के सामने एंगल भी 57 होगा क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल. इसको मैंने 57 मार्क किया. अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए आप 360 से आपको 57 माइनस करना पड़ेगा.
पार्ट ए की वर्किंग के लिए देख लें, 360 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू 303 डिग्री इज द बेरिंग इज द एंगल रिफ्लेक्स एंगल। ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड के लिए द अक्यूट एंगल पी क्यू आर, पी से चलेंगे आप क्यू पे जाएंगे देन आर के ऊपर, ये एंगल चाहिए आपको। इसको मैं कर देता हूँ रेड मार्क कर देता हूँ। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर आप 180 से ये दो एंगल माइनस कर दें जो कि 57 और 57 है तो आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा। इट इज 66 डिग्री। इसके लिए वर्किंग देख लें आप, 180 माइनस 57 और माइनस 57 इज इक्वल टू 66 डिग्री इज द अक्यूट एंगल। बी पार्ट पे चलें, द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, आर से चलना है क्यू तक आपने आना है। ये आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से चल के आप क्यू तक आएंगे। हमारे पास जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो 360 है। 360 से ये वाला एंगल जो कि ये रेड जो मैंने मार्क किया है ये 168 गिवन है, और 180 से आप 168 अगर माइनस कर दें तो ये आता है 12 डिग्री। इट मीन इसका वर्किंग देख लें, 360 डिग्री माइनस 12 डिग्री इज इक्वल टू 348 डिग्री इज द बेरिंग। नेक्स्ट आपने बेरिंग फाइंड करना है, द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, पी से चलना है क्यू तक आपने आना है। ये पी है, पहला लाइन आपका ये वाला जो लाइन है ये क्यू का लाइन है, इसको मैं ग्रीन मार्क करके देता हूँ। अगर ये आपको एंगल मिल जाए तो ये एंगल ही आपका बेरिंग होगा। अब इसके लिए आपको जो हेल्प करेंगे एंगल, ये दो एंगल दिस वन एंड दिस वन, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और क्यू फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए 360 से अगर 168 और 66 को आप माइनस कर देंगे तो ये आपको एंगल मिल जाएगा। ये 126 एंगल आ गया आपके पास, और 180 से अगर आप 126 माइनस कर देंगे तो आपको ये एंगल भी मिल जाएगा जो कि 54 है। अब आपको बेरिंग चाहिए, बेरिंग हमेशा 3 डिजिट में लिखी जाती है, तो सी पार्ट के लिए आप आंसर लिखेंगे 0 54 डिग्री। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का कंप्लीशन होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। अगर कोई आपको क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके अपनी क्यूरी का सलूशन मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, 0321-5838-264। थैंक यू वेरी मच।